जय फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑपरेशन आप जीएस के इस चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मौर्य एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इतिहास है क्या? इतिहास एक कहानियों का संगम है जिसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इतिहास कौन भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसको हमको याद करना पड़े या रखना पड़े। सबसे पहले इतिहास के बारे में हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, इतिहास होता है कहानी जो अपने नाना नानी दादा दादी से आपने सीखा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी हम जो पूरी डायनेस्टी इनकी हमको एक कहानी में समझते हैं। आप 2 मिनट रुकिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक कहानी के बारे में। कहानी के बारे में समझिए, एक गुरु थे, वैसे भ्रमण कर रहे थे। तब तक उनको रास्ते में एक लड़का मिला जो बहुत ही कौशल व्यक्ति, कौशल तरीके से लग रहा था, या उसकी बुद्धि क्षमता आम बुद्धि वाले लड़कों से थोड़ी ज्यादा थी। तो हुआ क्या, वो गए उसकी माँ के पास, उससे बात किए कि आपके लड़के को मैं ले जाना चाहता हूँ और एक दिन इसको मैं राजा बनाऊंगा। तो वो हुआ क्या, इसके बाद उन्होंने उस लड़के को ले जाके एक गुरुकुल में रखा, उसके बाद एक नए उसकी शिक्षा दीक्षा की, उसके बाद एक नए व्यक्तित्व का निर्माण उस लड़के में हुआ जो कि उसके पास ऑलरेडी कुछ कौशल क्षमताएं थी, और उस गुरु ने उसके कौशल क्षमताओं को और आगे ले जाके एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति या अच्छे सम्राट में उसको बदल दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसने छोटे मोटे राजाओं को जीता और लास्ट में एक बड़े से राजा, बड़े से साम्राज्य के राजा को मार के वहाँ का राजा बन गया और पूरे अखंड भारत के निर्माण किया। उसके बाद उसके कुछ लड़के आए, उसके एक और लड़के आए, धीरे धीरे इसके बाद उसका साम्राज्य बना और एक नए साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये था क्या, कि यही है आपका मौर्य एम्पायर। और जो इसके बाद हम देखते हैं वो कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि वो गुरु कौन थे। तो वो गुरु थे आपके चाणक्य, और वो लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने सबसे पहले छोटे से राजा को जीता, उससे पहले उसने एक शिक्षा दीक्षा की जिसका नाम था गुरुकुल, जो कि गांधार में था। उसके बाद उन्होंने एक छोटे से राजा को मारा जिसका नाम था अम्बिक कुमार, जो कि गांधार का ही राजा था। उसके बाद उसने बड़े से साम्राज्य को राजा को मारा, जिस उस बड़े साम्राज्य का नाम था मगध, और उसका राजा कौन था, धनानंद, जो कि नंद डायनेस्टी का वंशज था, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका है मगध एम्पायर के बारे में। उसके बाद वो एक बड़े से साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम पड़ा मौर्य एम्पायर। तो ये देखिए, एक कहानी को कैसे एक अच्छे से कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमको मौर्य एम्पायर में पढ़ना क्या है, कि वो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं जैसे एक चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद उनका लड़का आएगा बिंबिसारा, उसके बाद उनका लड़का आएगा अशोका द ग्रेट, इन्होंने कौन कौन से काम किए, कौन कौन सी चीजें उन्होंने बारे में बताई, अपने प्रजा के लिए क्या किया, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अब हम उसके कैरेक्टर्स या उनके चीजों के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी था। इसके बैकग्राउंड के बारे में हम चर्चा किया। अब देखिए, इसने किया क्या, इसने नंद डायनेस्टी के जो आखिरी राजा था जिसका नाम था धनानंद को मार के इसने मौर्य वंश की स्थापना की, इसलिए इसका नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त इसका नाम था और मौर्य यानी कि नए युग की शुरुआत, जो कि चाणक्य का पहले से नीति था अखंड भारत, मतलब भारत का कोई ऐसा शासक हो जो पूरे भारत को एक में लेके चले, यानी कि कंट्रोल एक के पास हो, जिसको शक्ति और समृद्धि में सबसे ताकतवर हो। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मौर्य वंश की स्थापना की, जो भी आज आपको कोई भी मौर्य दिख रहा हो, जैसे आनंद मौर्य किसी का नाम होगा, किसी का नाम आदर्श मौर्य हो गया, तो वो मौर्य कहाँ, वो इसी समुदाय या इसी डायनेस्टी का वो वंशज है, यानी कि मौर्य डायनेस्टी का वो वंशज है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट रूलर हु अनफिल्ड इंटायर इंडिया अंडर द वन पॉलिटिकल यूनिट। ये एक ऐसा शासक जिसने पूरे राजा, पूरे भारत को एक एक जटिल एक यूनिट में बांधा, यानी कि एक करके रखा। इसने किया क्या, सबसे पहले अम्बिक कुमार को इसने मारा, उसके बाद छोटे साम्राज्य पे कब्जा किया। जैसे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, चाणक्य। चाणक्य थे को आज के मिर्जापुर के तुम्हारे कालीन भैया है, क्या है, कालीन भैया। चंद्रगुप्त क्या है, चाणक्य क्या है, कालीन भैया है। इन्होंने सबसे पहले छोटे मोटे राजाओं को जीता, क्योंकि एक बड़े से साम्राज्य को जीतने के लिए आपके पास उतनी शक्ति नहीं कि एक सिंपल सा इंसान एक बड़े से साम्राज्य को कैसे जीत सकता है। तो उसने क्या किया, छोटे छोटे राजाओं को कब्जा किया। इसने सबसे पहले कब्जा किया अम्बिक के, गांधार के राजा अम्बिक पे उसने कब्जा किया, उसके राज्य को हथियाया। उसके बाद धीरे धीरे कर करके इसने क्या किया, इसने मगध, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य था, उस पर अपना कब्जा किया वहां के राजा को मार के। तो वैसे ही कालीन भैया क्या किए थे, छोटे छोटे जगहों को अपने अंडर लिए, जो छोटे मोटे काम करने वाले थे, बंदूक चलाने वाले थे, और एक बड़े से साम्राज्य का स्थापना किया जिसका नाम था कालीन भैया। आपने मिर्जापुर में भी आपको देखा होगा। उसके बाद देखिए, इसका ही लीड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, ये अपने राज्य को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिए इन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने राज्य को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया। ही
the details information about the administration system of the Maurya Empire is mentioned in the Arthashastra written by Chanakya. अगर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो एक बुक है अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये पीवाई को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र लिखा चाणक्य ने, जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे या उनके मंत्री भी थे, यानी कि महामंत्री थे। और उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी चीजें की, इस सारी चीजें इनको बुक में लिखी गई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो एक बुक है अर्थशास्त्र, उसको लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने। ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में वहां मिल जाएंगे। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चाणक्य वाज द पीएम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य क्या थे, पीएम थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उनके सभा में थे, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उनके गुरु भी थे जिनने उनकी मदद की थी उनको राजा बनाने में, यानी कि चंद्रगुप्त को एक छोटे से बच्चे से एक दुनिया भारत के सबसे बड़े सम्राट बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। तो ये क्या थे, उनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे, पीएम थे। ही वॉज कंसिडर्ड एज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को रियल आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य एम्पायर क्यों कहा गया, क्योंकि जो धनानंद था बहुत ही निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था, यानी बहुत ही खराब तरह का शासक था। वो अपनी प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था, वो बहुत ही निर्दयता से अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म करता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य उनकी उसको धनानंद को मारने के बाद जब उस सत्ता पे बैठे तो उन्हें अपने लोगों के लिए बहुत सारे काम किए और बहुत अच्छी अच्छी चीजें की। तो हुआ क्या, मौर्य एम्पायर में सबसे पहले यही राजा थे, इनके गुरु का नाम चाणक्य था। तो जाहिर सी बात इन्होंने अपने समय में काफी अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट काम करवाए होंगे, इसीलिए इनको रियल फाउंडर कहा गया और उसके बाद रियल आर्किटेक्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर कहा गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य हैड रूल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 324 BC to 300 BC। देखिए ये डेट आपको उतना इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में डेट उतने मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड्स बुक में आप जाएंगे देखेंगे थोड़े मोटे टाइम्स का डिफरेंस होता है। जब भी किसी बुक्स में टाइम्स का वेरिएशन होता है तो वो एग्जाम पे क्वेश्चंस आ ही नहीं सकता है। आपसे ये पूछेगा कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में एडजस्ट कीजिए कि उसके उनके वंशजों कैसे थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद उनका लड़का बिंबिसार आया, फिर उसका लड़का अशोक आया, तो इसको ऑर्डर कीजिए। इन्होंने कौन कौन से काम किए जैसे इनको रियल फाउंडर कहा गया, इनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो पीएम थे वो चाणक्य थे, इसके बाद उन्होंने कौन कौन से काम किए, किसको इन्हें मार के, जैसे नंद डायनेस्टी को मार के इन्होंने मौर्य वंशीय स्थापना की। तो इतिहास में होता क्या है, एक डायनेस्टी के लास्ट किंग को मारेगा और उसके बाद नई डायनेस्टी या नए एम्पायर की शुरुआत होगी। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ पॉइंट्स के बारे में। अगर आपके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम और इसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, लास्ट दो टॉपिक्स के बारे में हम देखते हैं, दो पॉइंट्स के बारे में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और सारे टॉपिक्स देख लिए हैं, अब इन टॉपिक्स को देखते हैं। ही क्रिएटेड द थ्रोन ऑफ हिज फेवरेट फेवर ऑफ हिज सन बिंबिसारा, देखिए क्या नाम है बिंबिसारा, एंड वेंट टू कर्नाटका विद जैन मौर्य भद्रबाहु। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को अपने बेटों को सौंप दिया। क्या किया, इसने अपने बेटे को सौंप दिया अपना साम्राज्य। इसके बेटे का नाम था बिंदुसारा और ये जैन मौर्य यानी कि जैन साधु के साथ ये कहाँ चल गया, चले गए कर्नाटका, जिसका नाम था भद्रबाहु। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के फॉलोअर थे। क्या हुआ, जैन धर्म के फॉलोअर कैसे थे कि वो जैन मॉन्क के साथ जिसका नाम भद्रबाहु था वो कर्नाटका चले गए अपने बेटे बिंदुसारा को अपना पूरा साम्राज्य देकर। उसके बाद इन्होंने किया क्या, ही हैड हैव स्टेब हिमसेल्फ टू देयर अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन एट श्रावण बेली मेला कर्नाटका में एक जगह है और बाइक या सल्ले खाना, आप इसको याद रखिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुसाइड किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सुसाइड किया। ये जैन धर्म के फॉलोअर्स थे, ये अपने पूरे साम्राज्य को अपने बेटे बिंदुसारा को देके कर्नाटका जैन मॉन्क जिसका नाम था भद्रबाहु उसके साथ कर्नाटका चले गए और एक जैन ट्रेडिशन है जिसका नाम था सल्ले खाना। जैन ट्रेडिशन में एक जैन धर्म में एक ट्रेडिशन है इसका नाम है सल्ले खाना और जिन्होंने जहां पर इन्होंने सुसाइड किया उसका नाम था श्री श्रवण बेली मेला। तो सल्ले खाना में होता क्या था, एक सफेद कपड़े से अपने पूरे में चेहरे को बांध लो, क्या करो सफेद कपड़े से अपने पूरे चेहरे को बांध लो और जब तक बांधो जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। ये सल्ले खाना जैन धर्म में एक प्रथा है जिसके तरह लोग आत्मदाह करते थे। इसमें यह बताया गया था कि एक व्यक्ति जिसको आप सल्ले खाना के रिचुअल से अपने आप को शरीर को त्यागना, उसमें करना क्या होता था, अपने पूरे मुंह पे यानी कि पूरे मुंह पे आप एक सफेद कपड़े को बांध लीजिए जिसकी वजह से आप धीरे
धीरे धीरे धीरे आपके शरीर आपका शरीर आपके प्राण को छोड़ता रहेगा और जिसकी वजह से आप मर जाएंगे। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने श्री श्रवण बेला मेला में सल्ले खाना जैन धर्म के रिचुअल से सुसाइड किया। तो यह ऐसे खत्म हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा कैसे उन्होंने धनानंद को मारा, अपने साम्राज्य को फैलाया, एक्सपेंशन पे ध्यान दिया। उनके पीएम का नाम चाणक्य था, जो उनके गुरु भी थे। उन्होंने अपने बेटों को अपना साम्राज्य समझ सौंप के जैन धर्म के मौंग के साथ बद्रबाहु के साथ कर्नाटका चले गए, जहां उन्हें श्रवण बेली मेला में उन्हें सल्ले खाना रिचुअल से जैन धर्म में अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हिस्ट्री आपको रखना नहीं पड़ रहा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी नया इसका बेटा आएगा, इसका नाम है बिंदुसारा। हम उसके बारे में अब देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं उसके बेटे बिंदुसारा के बारे में। चंद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम था? बिंदुसारा। अब सबसे पहले देखते हैं इसका नाम बिंदुसारा क्यों पड़ा। जब ये पैदा हुआ तो देखिए, बिंदुसारा जब पैदा हुआ तो इसके माथे पे एक बिंदी थी। इसके क्या थी? माथे पे एक बिंदी थी, जिससे इसका नाम पड़ गया बिंदुसारा। ये क्या था? ये सेकेंड किंग ऑफ मौर्य एम्पायर। क्या था? सेकेंड किंग ऑफ मौर्य एम्पायर। फर्स्ट किंग कौन था और फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका लड़का आया जिसका नाम था बिंदुसारा। देखिए, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था ये। आल्सो कॉल्ड द अमृत घोष, स्लेवर ऑफ द फोर्स को कहा गया। ये बहुत ही क्रूर टाइप का था। डायमेंचस, देखिए इसको जरूर से जरूर आप याद रखिए। डायमेंचस क्या है? डायमेंचस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर एट हिज कोर्ट। क्या था? ग्रीक एम्बेसडर था डायमेंचस। इसको आप याद रखें, क्योंकि कई बार क्या हो चुका है, पीवाईक्यू पूछ चुका है कि डायमेंचस किसके कोर्ट में एम्बेसडर था। तो याद रखिए, ग्रीक का था डायमेंचस, जो कि बिंदुसारा के कोर्ट में एम्बेसडर था ग्रीक का। इसके बाद ही अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। इसने इस अपने बेटे को उज्जैन का गवर्नर बनाया। उज्जैन कहाँ है इस जमाने में? उदेश एमपी में पड़ता है, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, उज्जैन। तो हमने बिंदुसारा के बारे में क्या पढ़ा? ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, ये सेकेंड रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर था। इसने इसको कहा जाता था अमृत घोट, इसको कहा जाता था स्लेवरी ऑफ द फोर्ट। इसने अपने बेटे अशोक को उज्जैन का गवर्नर बना के बताया। इसके ज्यादा इसके बारे में इतिहास में और कुछ नहीं दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद इसका लड़का बिंदुसारा आया। तो देखिए, हमने जो पहले कहानी पढ़ी थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक आया उसका बेटा आया, तो ये बेटा का नाम क्या है? चंद्र, इसका नाम है बिंदुसारा। अब इसका बेटा आएगा अशोक का। इसके अशोक के बारे में पढ़ा, अशोक स्तंभ के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब हम उसके बारे में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा, बिंदुसारा के लड़के के बाद अशोक आया। उसके बाद हम देखें अशोका धम्मा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशोका धम्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम अशोका के बारे में देखते हैं, पूरे मौर्य एम्पायर इसमें खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैंने कैसे आसान तरीके से इतिहास को एक कहानी में गढ़ दिया कि कैसे। देखिए, अगर आप मगध एम्पायर नहीं पढ़े रहेंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, आपको उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगा कि चंद्रगुप्त ने मौर्य मगध एम्पायर के नंद डायनेस्टी के लास्ट किलर धनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना की। और देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म के रिचुअल की तरह श्री श्रवण बेला मेले में सल्ले खाना के रिचुअल से अपने प्यार को तागा। अगर आपने जैनिज्म और बुद्धिज्म नहीं पढ़ा रहेगा तो बताइए आपको श्री श्रवण बेला मेला और सल्ले खाना के बारे में कैसे समझ में आएगा। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप पहले देखिए, ताकि और अच्छे से आपको इसको समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री आप रट नहीं सकते हैं, इतिहास को समझिए कैसे एक कहानी दूसरी कहानी से डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं अशोका के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द अशोका द ग्रेट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अशोक के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद उसका लड़का है बिंदुसार आया, उसके बाद उसका लड़का आया क्या? अशोका। अशोका द ग्रेट 273 BC to 232 BC तक इसका क्या था? टाइम पीरियड था। अब देखिए इसने किया क्या, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं, इस चैप्टर में चर्चा करते हैं। देखिए, देयर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्ली टाइम ऑफ अशोका। अशोका के पहले जीवन के बारे में बहुत ही कम चीजों के बारे में हमें पता है, क्योंकि इससे पहले जाहिर सी बात है इसका जो बाप का क्या नाम था? बिंदुसारा, वो शासक था। जाहिर सी बात है उसके बारे में ज्यादा लिखा जाएगा। तो अर्ली इसके राजा बनने से पहले हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इतिहासकारों ने उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा। अब इसके बारे में हम देखते हैं, ही एक्टेड एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन एंड सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ तक्षशिला
ड्यूरिंग हिज फादर बिंदुसारा रीजन। देखिए हमने अभी पढ़ा कि इसके बाप बिंदुसारा ने इसको उज्जैन का गवर्नर बनाया था। तो उज्जैन का गवर्नर जब ये था तो इसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी तक्षशिला में, जो कि मगध का ही पार्ट था। मगध एक मगध का ही पार्ट तक्षशिला, जिसमें कई सारी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी अपने पिता के रीजन के, अपने पिता के शासनकाल में। इसने अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला में बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा था। और जो इसकी सबसे ज्यादा भयंकर लड़ाई थी, जिसमें इतिहास के बारे में इसको बहुत ही क्रूर राजा माना गया, वो क्या था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द अशोका रीजन वाज द विक्ट्री वॉर विथ कलिंग इन 261 BC। कलिंग की लड़ाई यानी कि कलिंग का संग्राम के बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको पढ़िए। कलिंग की लड़ाई जिसने जीता था, क्या किया था अशोका ने, उसको जीता था 261 BC में, यानी कि 261 BC में इसने कलिंग की लड़ाई को जीता था, जिसने पूरे इतिहासकारों को इसको अपने के अपने आंख के आगे क्रंदित कर लिया। इनने एक ऐसा काम किया इसने, इसने पूरे इतिहास को ही बदल के रख दिया, ताकि जब भी इसका नाम लिया जाता था इसको सबसे पहले याद किया जाता कलिंग की लड़ाई। अब ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जाएंगे तो कलिंग के वार के बारे में बताया, द वॉर ऑफ कलिंगा राइटर्स ने लिखा इसके बारे में, ताकि जो ग्रेजुएशन में जो बड़े बड़े क्लासेस के बच्चे हैं वो इसके अशोका की क्रूरता और इसके बारे में जान सकें कि कलिंग युद्ध के बारे में क्या था। तो ये थे 3 पॉइंट्स अशोका के बारे में। हम इसके और फर्दर पॉइंट्स के बारे में देखते हैं और समझते हैं किसका लाइफ कैसा था और ये कैसा व्यक्ति था। हम अपने आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, ऑल्दो ही इज देयर इज नो डिटेल्स अबाउट द causes of the war. The effect of the war was described by Ashoka himself in his book Rock Edict 13. देखिए ये रोमन शब्द है Rock Edict 13. Rock Edict 13 आप इसको नोट कर लीजिए। Although there is no details about the causes of war, यानी कि युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में कोई भी ज्यादा डिटेल्स जानकारी नहीं है, हमको सिर्फ उतना ही पता है जो कि अशोक ने खुद अपने बुक में रॉक एडिक्ट 18 में जो लिखा है उसके बारे में उसने खुद लिखा। हमको बस उतना ही पता है कि युद्ध का कारण क्या था। इसने क्या किया, द हंड्रेड एंड द फिफ्टी थाउजेंड यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। बच्चे, बूढ़ो, स्त्री, पुरुष सबको मार दिया इसने। उस जमाने में सोचिए 273 BC में इसने 1.5 लाख लोगों को जान से मार दिया। इसने कभी भी नहीं देखा कोई छोटा बच्चा है, बूढ़े, इन्हें सबको तलवार से मौत के घाट उतार दिया। तब इसको एहसास हुआ कि मुझे अब धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। तब देखिए, आफ्टर द वॉल एंगस्टेड कलिंगा टू द मौर्य एम्पायर, इसने कलिंगा को अलग किया अपने राज्य से। क्या किया, कलिंग का जो जगह था उसको उसका अपने राज्य से, मौर्य एम्पायर से अलग कर दिया। इसने इससे पहले भी कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी अपने बाप के समय में, जब ये उज्जैन का गवर्नर था। इसने वहां भी कई सारी लाशों को फेंका या कई सारे लोगों को मारा। इसका तब भी निर्दयता खत्म नहीं हुई जब इसने कलिंग के युद्ध में 1.5 लाख लोगों को मार डाला। इसने, इसकी सेना ने 1.5 लाख लोगों को मार, जहां देखो वहां सिर्फ बच्चे, बूढ़ो, स्त्री, पुरुषों के लाशें तरह तरह फैली हुई थी, उसके लाशों को गिद्ध खा रहे थे। तो इसको इसके देह इसके हृदय पे इतना ज्यादा घात पहुंचा कि इसने अपने पूरे साम्राज्य को एक तरह से छोड़ के, या कहें अपने साम्राज्य को देखते हुए अपने अधर्म के मार को छोड़कर इसने एक नए धर्म की स्थापना की, नए शब्द की स्थापना की। और इसके बाद इसने बुद्धिज्म को अपनाया। क्या किया, इसके इसके जो दादा थे यानी कि इसके जो बाबा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के फॉलोवर थे, और इसने क्या किया, इसने बुद्धिज्म को अपनाया। इसके जो बुद्धिज्म के मॉन्क थे यानी कि जो साधु थे, जिसका नाम था उपगुप्ता। तो देखिए हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने धनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद इसके पीएम थे चाणक्य, या इसके गुरु भी चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एक्सपेंशन पे ज्यादा ध्यान दिया और धीरे धीरे करते करते अपने अपने उसके बाद अपने राज्य को अपने बेटे बिंदुसारा को सौंप के कर्नाटका चले गए बद्रबाहु के साथ, जो कि एक जैन मॉन्क था। और वहां श्री श्रवण बेला बेला में उसने सल्ले खाना रिचुअल जो था जैन में, उसकी तरह उसने सुसाइड कर लिया। इसका बेटा आया बिंदुसारा, इसको अदाघोष कहा गया, और ये अपने बेटे जिसका नाम था अशोका, इसको उज्जैन का गवर्नर बनाया। उसके बाद वो भी चला गया। उसके बाद इसका बेटा आया अशोका द ग्रेट, यानी कि अशोक इसका बेटा आया। इसने कई सारी चीजें की अपने पिता के राज्य में, इन्होंने कई सारे तक्षशिला में लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी लड़ाई जो इतिहासकारों को इसके अपने तरफ आकर्षित कर लिया, वो था कलिंग की लड़ाई। यानी कि कलिंग एक जगह था
अखंड भारत में मगध एम्पायर में, जो कि अब मौर्य एम्पायर बन चुका था, उसमें इन्होंने बहुत सी अपने जो लड़ाई था उसका कारण तो नहीं पता, क्योंकि इसने अपने रॉक एडिक्ट 16 में 13 में लिखा, अपने खुद लिखा है, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है कि वार क्यों हुआ था। इसके बाद इन्होंने इसका धर्म परिवर्तन हुआ और उस युद्ध में इसने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और एक नए धर्म या नए धर्म को इसने प्रचार प्रसार करना चालू किया, इसका नाम कहा गया अशोक धम्मा, यानी कि यह अपने ही धर्म का प्रचार करेगा, अहिंसा के मार्ग पे चलने से रोकेगा, उसको कहा गया अशोक धम्मा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। अब बुद्धिज्म का एक मॉन्क था, इसका नाम था बद्रबाहु, इसने इन्होंने इसके तहत इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और इसके बाद इसने अपने खुद ही धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू किया, जिसको इसका नाम दिया गया अशोक धम्मा। तो इस वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे लाइफ साइकिल, उसके वंशजों के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं इसको नोट्स लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।